हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल पे दोस्त मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे आपका परिवार स्वस्थ होगा फ्रेंड आज हम लोग करने वाले हैं वन हंड्रेड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर जो डायरेक्ट वन लाइनर होंगे फ्रेंड और ये फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ख़ास करके जूनियर सुपर टेड के लिए, लिए क्योंकि सुपर टेट पता नहीं कब आएगा वैसे ज़्यादातर तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आएगा फ्रेंड बट जो जूनियर सुपर टेट है क्योंकि इसका फॉर्म भरा जा चुका है इस पर ही आप ज़्यादा फोकस कीजिए फ्रेंड और एक सीट अपनी फिक्स कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है है दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी होती में किस होने से थकावट का एहसास होता है? तो फ्रेंड जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं या बहुत ज्यादा काम उम कर लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में पेन होने लगता है ऐसा होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण नेक्स्ट हमारा है अंगूर में अम्ल पाया जाता है तो फ्रेंड अंगूर में अम्ल पाया जाता है किड़वन के एग्जाम्पल बताना है तो फ्रेंड दूध का खट्टा हो जाना खाने के ब्रेड का बनाना गीले आटे का खट्टा हो जाना किड़वन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फाइव एक उड़ने वाली छिपकली का नाम बताना है तो उड़ने वाली छिपकली होती है ड्रेको ठीक है नेक्स्ट हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स केल्विन तापमापी में बर्फ का गलना कितना होता है तो फ्रेंड ये केल्विन नहीं होगा दो होता है फ्रेंड केल्विन में

जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर और जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर खाना बनाने का जो बर्तन होना चाहिए फ्रेंड कैसा होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट उषमा का तथा निम्न चालकता का होना चाहिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टेन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा तो कभी आप ट्राई मत कीजिएगा फ्रेंड कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और गर्मी लगने लगेगी आपको नेक्स्ट हमारा है रसायन उद्योग में जो मूल तेजाब यूज करते हैं तेजाब जो शब्द यूज करते हैं वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है एच टू एसो फोर होता है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा है कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में या यहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए फ्रेंड यूज किया जाता है तो ये होता है सोडियम बेंजोएट ठीक है जैसे जैम हो गया पिकल हो गया उनको प्रिजर्व करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं फ्रेंड तो सोडियम बेंजोएट के प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हाथ से गैस कौन सी होती है फ्रेंड तो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं फ्रेंड एनेस्थेटिक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है एन टू ओ नेक्स्ट हमारा है आधुनिक जो टेलीफोन है फ्रेंड मोबाइल्स उसमें किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड रेडियो वेब्स का प्रयोग किया जाता है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है तो फ्रेंड ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है हवा से हल्की गैस का एग्जाम्पल देना है तो हवा से हल्की गैस होती है हाइड्रोजन हवा से भारी गैस का एग्जाम्पल देना है फ्रेंड तो हवा से भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें बुलबुले के फॉर्म में जब ओपनर से ओपन किया जाता है या ढक्कन हम जो खोलते हैं तो उसमें बुलबुला ऊपर की तरफ जाता है वो कौन सी गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है नेक्स्ट नंबर है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है तो फ्रेंड जहाँ पर सड़ा गला वाला बर्ड आ जाए वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है मीथेन गैस निकलती है जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर है कुकिंग गैस में कौन सी प्रयोग होती है तो फ्रेंड प्रोपेन और ब्यूटन का प्रयोग किया जाता है एल में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में नेक्स्ट हमारा है चमकने वाला व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है तो फ्रेंड ये होता है फास्फोरस, है है ठीक नेक्स्ट हमारा फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया, तो किया जाता है जब आप आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड लेकर आते हैं फ्रेंड ना तो उसमें जब पानी अगर आप कैल्शियम कार्बाइड लाइए अगर उसको पानी में डालेंगे तो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है नेक्स्ट हमारा है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं तो फ्रेंड ये करते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन की भी डेटिंग है नेक्स्ट हमारा है लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है तो फ्रेंड ये चढ़ता है कैसी कत्व के कारण कैपिलरी स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होती है फ्रेंड पतली पतली उनके द्वारा ये जो तेल होता है ऊपर की तरफ बढ़ता है नेक्स्ट हमारा है गोताखोर जो किस गैसों का मिश्रण ले जाते हैं अपने साथ तो ये ले जाते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिक्सचर होता है गोताखोर जो ते फ्रेंड जो समुद्र में जाते हैं वो जो सिलेंडर लिए होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम भरी होती है है नेक्स्ट हमारा किसी गैस फ्रेंड नोबल गैस बताना है तो नोबल गैसेस वो होती हैं जो बिल्कुल अक्रिय होती है किसी के साथ रिएक्शन सो नहीं करती है जैसे हीलियम के एग्जाम्पल हो गया हमारा नेक्स्ट हमारा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो फ्रेंड ये होता है चौबीस कैरेट का नेक्स्ट हमारा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड करते हैं रतन ज्योत का नेक्स्ट हमारा है कौन विद्युत का चालक है कुचालक है फ्रेंड तो लेड जो होता है सीसा वो होता है विद्युत का कुचालक क्वेश्चन नंबर तीस है फ्रेंड किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता फ्रेंड तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता केरोसिन में नेक्स्ट हमारा है वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है तो ये हमारे फ्रेंड वाटर लिक्विड स्टेट में भी होता है सॉलिड स्टेट में भी होता है और गैस स्टेट में भी पाया जाता है ये

नहीं तत्व है और नहीं योगिक है, तो ये हमारी चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है प्लाज्मा यौगिक तो हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल देना तो ये रेत हमारा क्या है यौगिक है तो फ्रेंड कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स रेशियो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है एस आई ओ टू होता है फ्रेंड ये होता है रेत का फॉर्मुला ऐसा यो, नहीं रेत तैयार हो जाएगा नहीं मलिक्यूल और ऑक्सीजन का दो मलिक्यूल जब तक नहीं मिलेगा तब तक रेत का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है विरंजक चोर क्या होता है तो फ्रेंड विरंजक चोर जो होता है वो होता है एक यौगिक नेक्स्ट हमारा है बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो फ्रेंड बारूद जो होते हैं मिश्रण होते हैं वो नेक्स्ट हमारा कोयला क्या है तो फ्रेंड कोयला एक तत्व है जो होता है कार्बन का बना हुआ ठीक है नेक्स्ट हमारा हीरा क्या है फ्रेंड तो हीरा एक तत्व है है ये भी बना होता है कार्बन का और बात करें फ्रेंड हीरा के स्ट्रक्चर की तो हीरे स्ट्रक्चर होता थ्री डी और जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है टू नेक्स्ट हमारा है शुद्ध तत्व तो कौन सा है तो फ्रेंड शुद्ध तत्व एक एग्जाम्पल देना है फ्रेंड तो सोडियम सोडियम ऐसा मेटल है फ्रेंड जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं और ये फ्रेंड

पॉजिटिव में नाइनटीन प्रोटॉन के पास और नेगेटिव में नाइनटीन हमारे पास होता है किसके पास फ्रेंड इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर नेगेटिव होगा यहाँ पर दोनों में यहाँ पर नाइनटीन ही होगा ठीक है 1.6 के पावर माइनस नाइनटीन प्रोटॉन का होता है और माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन ये होता है इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट हमारा है वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो फ्रेंड ये थे इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की, तो की खोज की, की, की है तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है नेक्स्ट हमारा परमाणु नाभिक की खोजकर्ता कौन है तो फ्रेंड ये है रदरफोर्ट कहीं कहीं आपको फ्रेंड प्रोटॉन की जो खोज की है वो रदरफोर्ड भी नाम लिखा आपको मिलेगा नेक्स्ट हमारा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है तो फ्रेंड ये होता है हमारा परमाणु इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे तो फ्रेंड ये थे डी नेक्स्ट हमारा है 51 है नंबर रेडियो एक्टिविटी की की खोज सर्वप्रथम किसने तो फ्रेंड ये की है हेनरी बैकर ने नेक्स्ट हमारा फिफ्टी टू नंबर अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम बताना है तो ये फ्रेंड है रदर फोट. अल्फा बीटा और जो गामा किरणें होती हैं फ्रेंड ये किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ट्रांसमिट होती हैं बाहर निकलती हैं जो कि काफी हार्मफुल होती हैं नेक्स्ट हमारा है परमाणु बम के आविष्कार आविष्कारक कौन है तो फ्रेंड ये है ऑटो ऑटोहॉर्न क्वेश्चन फिफ्टी फोर है कार्बन डेटिंग के द्वारा किसका निर्धारण होता है तो फ्रेंड ये होता है जीवाश्म क्या आयु का निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा नेक्स्ट हमारा है वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन कौन है तो ये है फ्रेंड रदर तथा शॉर्डी नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से होता है तो फ्रेंड ये होता है यूरेनियम की डेटिंग के द्वारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है किस संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो फ्रेंड ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा नाभिकीय संलयन वो प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें दो हल्के नाभिक यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारा है क्योंकि यहाँ पर पूछा है सूर्य सूरज का हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड और ये जो रिएक्शन होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर परफॉर्म होता है नेक्स्ट हमारा फ्रेंड नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है तो फ्रेंड ये करता है भारी जल ठीक है ड्यूटीरियम ऑक्साइड डी टू ओ नेक्स्ट हमारा है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो फ्रेंड ये है ऑक्सीकरण का उदाहरण और जब जंग लग जाता है फ्रेंड लोहे पर तो उसका वेट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है नीले लिटमस पर पेपर को लाल कर देता है नीला जो लिटमस होता है उसको लाल कर देता है कौन करता है तो ये करता है अम्ल एसिड और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है फ्रेंड ये होता है मतलब बेस भस्मों का स्वाद कैसा होता है तो फ्रेंड ये होता होता है है बिटर इन टेस्ट कड़वा टेस्ट होता है भस्मों का अगर बात करें अम्ल की तो इसका टेस्ट होता है खट्टा पी एच किसने पीएच स्केल निर्धारण बनाया है जो पीएच स्केल है फ्रेंड किसने बनाया है तो ये बनाया है सोरेन्सन ने क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है फ्रेंड अमली घोल का पी एच मान कितना होता है तो फ्रेंड ये होता है सेवन से कम ठीक है जीरो से सेवन के बीच में होता है एसिडिक एक सेवन से फोर्टीन के बीच में होता है बेसिक दूध का पीएच मान होता है 6.6 किसी सामान्य मनुष्य के रक्त का पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में वायु से हल्की गैस कौन सी है तो फ्रेंड ये हमारी है अमोनिया NH3 थ्री गैस नेक्स्ट हमारा है परम ताप का मान कितना होता है तो फ्रेंड ये होता है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है तो फ्रेंड ये है बर्चिलिय उत्प्रेरक क्या होता है फ्रेंड ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर सकता है या धीमा कर सकता है उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड ये होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट ठीक है पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं नेक्स्ट हमें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सत्तर वे पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहते हैं फ्रेंड ईधन फ्यूल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है फ्रेंड मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है तो मीथेन गैस पाई जाती है और गोबर गैस में भी फ्रेंड, मीथेन गैस जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड खाना बनाने वाली उपयोग में लाने वाले फ्रेंड एलपीजी जो होता है गैस किस रूप में होता है तो फ्रेंड ये होता है लिक्विड स्टेट में ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ठीक है इसका फुल फॉर्म एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य होता, होता, हो होता, तो होता है तो फ्रेंड होता है कई बार हो चुका रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं फ्रेंड रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाला ईंधन को कहते हैं तो इसे बोलते हैं प्रणोदक नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड अति मुलायम खनिज टोल्क सोप स्टोन मुख्यतः होता है तो यह होता है फ्रेंड मैग्नीशियम सिलिकेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है फ्रेंड तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्सियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट होता है हेमी हाइड्रेट तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड सी ए एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू फ्रेंड ठीक है ये भी फॉर्मूला सही है और टू सी एस ओ फोर इंटू एस टू ये भी फॉर्मूला हमारा सही है सबसे भारी धातु बतानी है फ्रेंड तो सबसे भारी जो धातु है हमारी वो होती है ओस्मियम ठीक है ओस्मियम होती है फ्रेंड सामान्य किस्म का कोयला होता है तो फ्रेंड ये होता है नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है नोबल गैस नहीं होती फ्रेंड तो ये होती है फ्रेंड रेडॉन हीलियम नहीं होगा फ्रेंड रेडॉन जो होती है ये फ्रेंड जो होती है वो वायु में नहीं पाई जाती रेडॉन जो गैस होती है फ्रेंड वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान एटमोस्फेयर में रिलीज होती हैं ये ठीक है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तभी ये गैसेस एटमोसफेयर में होती हैं नेक्स्ट हमारा है, है फ्रेंड प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है तो फ्रेंड ये होता है आइसोप्रीन विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है तो फ्रेंड ये क्या है एस्टर है ठीक है अम्ल वर्षा होती है तो फ्रेंड अम्ल वर्षा किसके कारण होती है तो फ्रेंड ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राई के कारण होती है जो कल कारखानों से फ्रेंड धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है फ्रेंड इसलिए जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं मूत्रालयों के पास फ्रेंड नाक में चुभने वाली गंध वाली कारण क्या होता है तो फ्रेंड ये होता अमोनिया। है अमोनिया ठीक है नेक्स्ट हमारा है अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है तो फ्रेंड ये हमारा है, है सिलिकन ठीक है वैसे फ्रेंड ये सिलिकॉन हमारे जो होता है वो अधातु नहीं एक अर्धचालक है ठीक है अर्धचालक है फ्रेंड ये हमारा सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है यसद पुष्प कहलाता है तो फ्रेंड जिंक ऑक्साइड को यसद पुष्प कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है वह धातु जो एसिड एवं अल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो फ्रेंड ये हमारी है जिंक नेक्स्ट हमारा है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है तो फ्रेंड ये होता है अल्फा ठीक है अल्फा पार्टिकल जो होता है फ्रेंड वो बिल्कुल डॉल्टन के, के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता तो है तो ये है फ्रेंड परमाणु नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन के तरंग खोज ये तो, तो फ्रेंड हो चुका है हमारा डी डीप्रोकलिंग ने क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के से जुड़ा हुआ है तो ये है फ्रेंड बोस नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है तो फ्रेंड न्यूट्रॉन की खोज की है सेम सेम फिर से रिपीट हो रहा है है फ्रेंड सॉरी इसके लिए नेक्स्ट हमारा परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है तो फ्रेंड ये की है जॉन डॉल्टन नेक्स्ट हमारा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है यह सबसे पहले किसने बनाया था बताया था फ्रेंड तो ये बताया था महर्षि कड़ाद ने ये भी फ्रेंड हो चुका है हमारा फोर्थ स्टेट हमारा नेक्स्ट हमारा फ्रेंड है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ऐसे तो जिनमें धातु तथा अधातु वो दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो होते हैं फ्रेंड उप धातु या सेमीकंडक्टर होते हैं फ्रेंड यहाँ पर हंड्रेड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू